हेलो दोस्तों, मैकेनिक डीजल इंजन के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंजन के पिस्टन के बारे में। इंजन का पिस्टन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो यह जो है पिस्टन जो है इंजन का एक मुख्य उपयोगी भाग है, जिसके ऊपर पावर स्ट्रोक का थ्रस्ट पड़ता है। यानी जिस समय पावर स्ट्रोक होता है उसमें जितने भी एफर्ट प्राप्त होते हैं सब पिस्टन के ऊपर पे ही पड़ता है, जिससे कि यह नीचे की ओर चल पड़ता है। क्योंकि कंबसन चैम्बर में जो प्रेस हुई गैस जो है उसको लीक नहीं होने देता है, और सक्शन तथा कंप्रेशन में जो है पिस्टन द्वारा ही यह कार्य संभव होता है। जो सिलेंडर में हमारा गैस जो सक्शन किया हुआ रहता है, उसको जो प्रेस किया हुआ होता है, उसको लीक होने से बचाने के लिए और कंप्रेस करने के लिए अगर पिस्टन नहीं है तो वह हमारा संभव नहीं है। पिस्टन जो है आम तौर पर कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बनाया जाता है, लेकिन नॉर्डे आजकल जो है ज़्यादातर इंजन में एल्युमिनियम एलॉय का ही पिस्टन प्रयोग में लाया जाता है। यह पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, रेसिप्रोकेटिंग पंप में, गैस कंप्रेसर में, हाइड्रोलिक सिलेंडर में, न्यूमेटिक सिलेंडर में और जो भी दूसरे टाइप के सिमिलर मैकेनिज्म के इंजन हैं या फिर युक्ति है उसमें यह पिस्टन को लगाया जाता है। यह एक मूवेबल का कंपोनेंट है। इसका आकार गोल होता है, ऊपर से बंद होता है लेकिन नीचे से खोखला होता है। पिस्टन के मध्य में यानी बीच में जो आर पार का होल कटा होता है, जिसमें हम गजन पिन फिट करते हैं, जिसको हम पिस्टन पिन भी कहते हैं। इसमें जो है कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड फिट होता है और पिस्टन के ऊपर रिंग ग्रुप बने होते हैं, जिस पर पिस्टन रिंग फिट होते हैं। पिस्टन के ऊपर का बनावट कई प्रकार का होता है, एक कंप्रेशन चैम्बर के डिजाइन के अनुसार बने होते हैं। पिस्टन के पार्ट्स, सबसे पहला पिस्टन का पार्ट्स होता है पिस्टन हेड। यह पिस्टन का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। यह भाग गैसों को कंप्रेस करता है, इसको हम पिस्टन क्राउन भी कहते हैं। वही पिस्टन हेड है हमारा सबसे ऊपर वाला। उसके बाद आता है स्कर्ट। यह पिस्टन के नीचे वाला भाग होता है। इसमें पिस्टन लाइनर के अंदर सीधा रहता है। अत्यधिक गर्म होने पर पिस्टन के आयतन में जो वृद्धि होती है, तब पिस्टन स्कर्ट के फैलने के लिए स्लॉट उसमें डाला जाता है। स्कर्ट पे जो पिस्टन को अत्यधिक गर्म हो जाता है तो आयतन में जो वृद्धि होती है वो बढ़ता है, तो उसमें एक स्लॉट कटा हुआ रहता है जो पिस्टन स्कर्ट जो फैलने के लिए फैलता है उसमें एडजस्ट हो जाता है। या नहीं, अगर नहीं स्लॉट कटा रहेगा तो फिर पिस्टन हमारा बर्बाद होने का चांस रहेगा। पिस्टन बॉस, जिसमें पिस्टन पिन
होल रहता है, पिस्टन पिन के पास जो होल रहता है तो पिस्टन बॉस करते हैं। रिंग ग्रूव, हेड के नीचे रिंग ग्रूव कटे रहते हैं जिसमें रिंग फिट किए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ऑयल रिंग और दूसरा कंप्रेसर। पांचवा होता है रिंग लैंड। रिंग ग्रूव काटने के बाद पिस्टन के व्यास में जो जगह बची रहती है उसे रिंग लैंड कहते हैं। यह लैंड इसलिए दिए जाते हैं ताकि पिस्टन के ऊपर जो हीट पैदा हो वह डायरेक्ट पिस्टन के नीचे तक ना पहुंच सके, इसलिए पिस्टन में रिंग लैंड दिया जाता है। एक पिस्टन के कैरेक्टर जो होते हैं, गुण जो होते हैं अच्छे पिस्टन के, पिस्टन वजन में हल्का होना चाहिए, अधिक से अधिक पावर स्ट्रोक सहने योग्य होना चाहिए, कंबसन चैम्बर में पैदा होने वाली गर्मी को सहन करने वाला होना चाहिए, इसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि घिसावट कम से कम हो, गर्मी मिलने पर एक निश्चित अनुपात में फैले, पिस्टन अधिक देर तक अर्थात लगातार कार्य करने की क्षमता वाला होना चाहिए। ये था हमारा पिस्टन के बारे में जानकारियाँ। धन्यवाद आज के लिए।